और दोस्तों चाइना में लॉन्च हो गए रेडमी के 30 4G और 5G। ये जो स्मार्टफोन है वो डेफिनेटली आपको सॉल्व कर देंगे। मैं आपको बता दूं ये जो स्मार्टफोन है वो 5G स्मार्टफोन रहने वाले हैं, आपने उनको सही सुना। और जो सॉल्व करने वाली बात है इस स्मार्टफोन में वो है इसकी प्राइस। इसकी जो प्राइस है वो 20,000 रुपये की, आपने बिल्कुल सही सुना। 5G स्मार्टफोन 20,000 रुपये के नीचे आ रहा है, वो भी 2019 में ही। हमने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, इवन हम तो यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि 2020 में जो आपको 5G स्मार्टफोन मिलेंगे ना वो 30,000 रुपये से नीचे ही मिल जाएंगे। हम सोच रहे थे 30 से ऊपर ही मिलेंगे। सोचिए 2019 में ही 20,000 रुपये के नीचे आ रहे हैं, तो 2020 में जो स्मार्टफोन आएंगे वो 15,000 या 16,000 रुपये में आएंगे। क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर से बताएं। और दोस्तों बाकी सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे रेडमी के 30 के बारे में और क्या क्या स्पेशल है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेडमी के 30 4G और 5G में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है। एक दो चीज़ें चेंज है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच की फुल HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और ये डिस्प्ले मैं आपको बता दूं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ आती है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं ये डिस्प्ले जो है वो डुअल पंच होल डिस्प्ले दी गई है, मतलब आपको यहाँ पे फ्रंट में डुअल कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे इसके बैक की, तो इसमें आपको बैक में प्लास्टिक की बॉडी दी गई है और आपको बीच में यहाँ पे आपको 4 कैमरे देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ फिंगरप्रिंट ना ही तो इसमें बीच में दिया गया है, और जैसा कि आपको पता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो इसीलिए ना तो डिस्प्ले में दिया गया। यहाँ पे जो आपको फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है वो मिल रहा है पावर बटन में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही देखा और सही सुना, पावर बटन में यहाँ पे आपको फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों कमाल की बात ये है कि ये जो स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले होने वाली है ना वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले होने वाली है। आपने बिल्कुल सही सुना, रियलमी X2 प्रो आया था उसकी 19 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट डिस्प्ले थी, इसमें 120 रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दी गई है। मतलब आप जब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के साथ कुछ करेंगे, मतलब गेम खेलेंगे या वीडियो देखेंगे, तो आपका जो वीडियो देखने का एक्सपीरियंस है या गेम खेलने का एक्सपीरियंस है ना वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो डिस्प्ले और डिजाइन को लेकर के तो रेडमी को मैं एक बड़ा सा थम्स अप देना चाहूंगा, अगर आप देना चाहते हैं तो जरूर से दे दीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो स्मार्टफोन है आपको 4 वेरिएंट में देखने को मिलेंगे, 6GB 64GB 6GB 128GB 8GB 128GB स्टोरेज और 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आएंगे। मतलब 4 वेरिएंट आपको इन स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करें और हाँ ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। और दोस्तों अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो मैं बता दूं इसमें आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। 13W का इसमें आपको बूक चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा, 3.5 का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। यही बात करें हम लोग यहाँ पे इसके 4G वेरिएंट के बारे में, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और चार्जर में चेंजिंग देखने को मिलेगा, बाकी बैटरी आपको सेम 4500mAh की देखने को मिलेगी। चार्जर जो आपको देखने को मिलेगा वो 27W का बूक चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों अब डालेंगे हम लोग यहाँ पे इसके कैमरे के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिल जाएंगे, जिसका प्राइमरी सेंसर 64MP का दिया गया है और ये सेंसर आपको सोनी का IMX686 वाला सेंसर दिया गया है। ये पहली बार किसी फोन में आपको सेंसर देखने को मिल रहा है क्योंकि सोनी की तरफ से ये लेटेस्ट सेंसर है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बात करूं इसका दूसरा कैमरा आपको 8MP का देखने को मिलेगा जो वाइड एंगल को सपोर्ट करता है, और तीसरा कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो 5MP का दिया गया जो कि माइक्रो लेंस के लिए दिया गया, और चौथा कैमरा यहां पे आपको 2MP का दिया गया जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया। मतलब बैक के कैमरे आपको पता है कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और साथ ही साथ दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा भी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें आपको डिस्प्ले में डुअल कैमरा देखने को मिल रहा है, 20MP का प्लस 2MP का, सोचिए, और वो भी राइट हैंड में टॉप पर आपको ये कैमरे देखने को मिल रहा है, तो दिखने में भी कितने ज़्यादा कमाल के लगते हैं। जब आप अपना फ़ोन निकालेंगे किसी के सामने सेल्फी क्लिक करेंगे तो सारे लोग आपके फ़ोन को जरूर से देखेंगे क्योंकि राइट में
टॉप पर दिए गए, वो भी डुअल सेल्फी कैमरे, इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी एक और बिगेस्ट थिंग है, वो है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं क्वालकॉम की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है जो कि 5G को सपोर्ट करता है, इसीलिए तो ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं Redmi K30 4G वेरिएंट में आपको यहाँ पे दो चीजें चेंजिंग देखने को मिलेगी Redmi K30 5G की अपेक्षा। यहाँ पे जो Redmi K30 4G है प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वही दोस्तों कैमरे की बात करें तो कैमरे बिल्कुल सेम है, बाकी वहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सूट सेंसर देखने को मिलता था, यहां पे आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। बाकी सारे कैमरे लेंस बिल्कुल सेम दिए गए हैं। और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग इसकी प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसका बेस वेरिएंट 6GB 64G वाले जो वेरिएंट की कीमत है वो 20,000 रुपए है। वही इसके हाई वेरिएंट की 8GB 256G वाले जो वेरिएंट की कीमत रखी गई है वो 29,000 रुपए रखी गई है। तो इसका बेस वेरिएंट 20,000 रुपए में आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आपको बताया स्मार्टफोन तो 5G है ही है। और दोस्तों वही बात करें हम लोग यहां पे Redmi के 30 के 4G वेरिएंट की प्राइस की, तो वहां पे इसका बेस वेरिएंट 6GB 64G वाले की वेरिएंट की कीमत रखी गई है वो 16,000 रुपए रखी गई है। वही उसका हाई वेरिएंट 8GB 256G वाले जो कीमत रखी गई है वो 22,000 रुपए रखी गई है। दोस्तों Redmi K30 जो है वो काफी ज्यादा कमाल के स्मार्टफोन है, 4G और 5G दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे हैं। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं एक चीज से आपको यहाँ पे निराश होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसका 5G वेरिएंट है Redmi K30 का वो इंडिया में नहीं आएगा। Redmi K30 का 4G वेरिएंट इंडिया में आएगा, क्यों? क्योंकि इंडिया में 5G वेरिएंट नहीं है। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको इंडिया में 5G नेटवर्क कब आएगा और हम कब 5G स्मार्टफोन का मजा ले पाएंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करें और हाँ ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैसे ही वीडियो को अपलोड करेंगे। मैं मिलूंगा आपको नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।